झुलसा देने वाली गर्मी के बाद लोगों को बेसब्री से इंतजार होता है वर्षा ऋतु का। मेघदूत की आखिरी पंक्तियों में कालिदास लिखते हैं कि हे मेघ, आपकी प्रिय पत्नी विद्युलता से कभी आपका वियोग ना हो और आप मनोवांछित दिशाओं में भ्रमण करें। आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम् वप्रक्रीडा परिणत गजप्रेक्षणीयम् ददर्श। रामगिरी पहाड़ी के इसी शिखर पर इस पेड़ के नीचे बैठकर महाकवि कालिदास ने विराह के दौरान मेघ के तमाम पहलुओं को साथ ही मान महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। उन्होंने ये आषाढ़ के पहले दिन यहाँ मेघ को देखा, जैसा कोई एक हाथी, मदमस्त हाथी अपने पर्वत से टकराता है, वैसा मेघ टकरा रहा था। और उसी वक्त उनको उनकी जो विरह व्यथा थी वो तीव्र हो गई और उन्होंने यक्ष और यक्षिणी के नाम पर अपना जो एक आंतरिक दुख था, आंतरिक व्यथा थी, आंतरिक प्रेमालाप था, वो उन्होंने व्यक्त किया। दरअसल ऐसी मान्यता है कि रामगिरी की इसी पहाड़ी पर वनवास के दौरान राम और सीता ने कुछ देर के लिए इस पर्वत पर विश्राम किया था, जिसके बाद इसका नाम रामगिरी पहाड़ी पड़ गया। जब कालिदास यहाँ आए तो उन्हें इस जगह ने मोह लिया और यहीं बैठकर उन्होंने मेघ और प्रेम के तमाम पहलुओं पर मेघदूत की रचना कर डाली। ये स्मारक यहाँ महाकवि कालिदास की याद में बनाया गया है। एक तो जगह ये हिल पे है तो यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है और इस जगह का इम्पोर्टेंस मेघ से कुछ अलग ही रिलेटेड है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ समय बिताने आ जाते हैं शहर से दूर। मॉनसून के आवन की आस लगाए लोग यहाँ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी बैठे हैं। मानसून की दस्तक का मध्य प्रदेश के लोगों को बेताबी से इंतजार है। मौसम के जानकारों का कहना है कि यूं तो मानसून वक्त पर ही आएगा, लेकिन तब तक लोगों का एक एक पल पहाड़ जैसा कट रहा है। सामूहिक प्रार्थना और आरती कर महाकाल को खुश करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो वक्त पर मॉनसून भेजने की मेहरबानी करें। जल के द्वारा भगवान महाकाल का अभिषेक पूजा किया गया और एवं भगवान महाकाल से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, यह समय उज्जैन के अंदर जल की और समस्त मालवा के अंदर और भारतवर्ष के अंदर जल की अत्यंत हो सकता है, क्योंकि विगत सिंहस्थ के अंदर जल के जो लाखों श्रद्धालुगण आएंगे वो स्नान कहाँ करेंगे यदि जल की वर्षा ना हुई तो। मध्य प्रदेश के मालवा इलाके को कभी काफी संपन्न माना जाता था, लेकिन इन दिनों ये इलाका गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। उज्जैन में अगले साल होने वाले कुंभ यानी सिंहस्थ की तैयारियां चल रही हैं। ऐतिहासिक क्षिप्रा नदी के ज्यादातर घाटों में बहुत कम पानी है, ऐसे में इस उत्सव की तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि लोग इन दिनों सिर्फ पानी बरसने की ही दुआएं मांग रहे हैं। लहरें एक उम्मीद की तरह